हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। ये वीडियो है सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जिनका दिसंबर 21 में एग्जाम है। तो क्योंकि आप लोगों को डाउट्स आ रहे हैं बहुत दिनों से कि एग्जाम फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, सबमिट होना अभी तक तो आए नहीं, कब स्टार्ट होंगे और क्या ये डिले हो रहा है, इस वजह से दिसंबर एग्जाम पोस्टपोन होने के कुछ चांसेस हैं, प्री एग्जाम टेस्ट की लास्ट डेट क्या है, तो बहुत सारे आपको जो डाउट्स हैं। कल आईसीएसआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद आपके वो बहुत से डाउट्स खत्म हो जाएंगे। आईसीएसआई ने कल आपको कहा है कि एग्जामिनेशंस का जो एनरोलमेंट है, मींस एग्जाम फॉर्म कब से फिल होना स्टार्ट होंगे, तो वो कह रहे हैं जब अगस्त 21 का जो एग्जाम हुआ है, जून वाला एग्जाम जो अगस्त 21 में हुआ है, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि अभी नहीं पता कब आएगा, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टिल एंड ऑफ द सेप्टेम्बर या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी तो आप दिसंबर में एग्जाम ले पाओगे अच्छे से। तो जब तक वो रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक एग्जामिनेशन के एनरोलमेंट स्टार्ट नहीं होंगे। जून का रिजल्ट जो अगस्त में एग्जाम हुए थे, उसका रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद ही एग्जाम एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगी दिसंबर 21 की। तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और एटलीस्ट 15 डेज के लिए वो एक्टिव रहेगी विंडो। 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा एग्जाम फॉर्म सबमिट करने का। नेक्स्ट, कट ऑफ डेट्स जो रहेंगी एनरोलमेंट रिक्वेस्ट के लिए, है ना, जितनी भी डेट्स आती है कि कब आप एग्जाम फॉर्म सबमिट करना स्टार्ट कर सकते हो, कब तक डेट रहेगी, कब तक सेंटर्स चेंज कर सकते हो या चीजें आप चेंज कर सकते हो अपने एनरोलमेंट में, वो आपको सेपरेटली इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मिल जाएंगी जब भी अनाउंस होंगी तब। तीसरा, और आपके लिए एक कहीं ना कहीं फिर से एक बुरी खबर, कि उन्होंने कहा है कि सीएस दिसंबर 21 एग्जामिनेशन जो शेड्यूल अनाउंस किया गया है उसी के अकॉर्डिंग होंगे। मींस अभी भी वो यही कह रहे हैं कि एग्जाम दिसंबर में ही होंगे, तो इसलिए आप किसी भी तरह से अभी कुछ भी अपनी मनगढ़ंत बातें मत मानना कि जनवरी में हो जाएगा एक्सटेंड या फरवरी में। हम भी पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनवरी में एग्जाम होने चाहिए दिसंबर वाले, बट फाइनली आईसीएसआई ने कह दिया था कुछ दिन पहले कि एग्जाम दिसंबर में ही होंगे, वो अभी भी वही कह रहे हैं कि एग्जाम दिसंबर में ही होंगे। लास्ट चीज और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्री एग्जाम टेस्ट का क्या है सर। बेटा, प्री एग्जाम टेस्ट का आईसीएसआई का जो बेसिक रूल रहा है वो ये है कि एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के पहले तक आपके प्री एग्जाम टेस्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो इट मींस, जितना मैं अभी तक समझ पा रहा हूं, जब तक एग्जाम फॉर्म सबमिट होने की डेट ही नहीं आ जाती, प्री एग्जाम टेस्ट हो सकते हैं, आप अपीयर कर सकते हैं। और अभी तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर वो विंडो भी ओपन नहीं हो रही है प्री एग्जाम टेस्ट की। सो डोंट वरी, अगर आपको लगता भी है ऐसा तो आप आईसीएसआई के कंसर्न अथॉरिटीज से बात कर सकते हैं, support@icsi.edu पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं, उनको अपनी क्वेरी बता सकते हैं कि प्री एग्जाम टेस्ट की विंडो ओपन नहीं हो रही है हमारी। बट मेरा ऐसा मानना है कि वो विंडो एग्जाम फॉर्म सबमिट होने की जो लास्ट डेट रहेगी, मींस कहीं ना कहीं वो अक्टूबर तक एग्जाम फॉर्म इस बार सबमिट होंगे, तब तक आप प्री एग्जाम टेस्ट दे पाओगे, ऐसा मेरा अभी भी मानना है। तो उस रेस्पेक्ट में भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिसंबर 21 एग्जाम से रिलेटेड कोई भी और अपडेशन जैसे ही आता है, मैं डेफिनेटली आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहो और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।